मेकअप किया से मुझे हमारा शूटिंग पहले बिग बॉस से पहले हुआ, देन आफ्टर बिग बॉस 14 मेरा 2 दिन का स्केड्यूल था, फिर मैंने आते से ही वो कंप्लीट किया। आई वाज थिंकिंग कब रिलीज होगी एंड फाइनली सर ने एकदम से कहा कि 16 दिसंबर आपकी मूवी रिलीज हो रही है। फिर भी मैंने सोचा पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स होगा, आई डोंट नो। मैं सच बोलूँ तो मैंने सोशल मीडिया पर नहीं प्रमोट किया फिर, क्योंकि मुझे डर लग रहा था, अजीब सी फीलिंग हो रही थी कि पता नहीं क्या रिस्पॉन्स होगा यार, क्या होगा। बट अब मैं खुल के जोड़ में प्रमोट करूँगी बिकॉज रेटिंग्स अच्छी हैं, मूवी का जो रिस्पॉन्स है लोगों का बहुत अच्छा, हाउसफुल्स जा रहे हैं, एंड चंपा का भी जो किरदार है वो बहुत ज़बरदस्त है, सोहित ने जो मेरे पति का किरदार किया वो भी बहुत, पंकज बेरी तो खा गए हैं, बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की है उन्होंने, एंड मैं भी जाऊँगी देखने के लिए मूवी। किस तरीके का किरदार आप पसंद करती है करना, जिस तरीके से आपने ये किरदार किया है, उसके बाद भी आपके मन में बहुत सारे ख्याल रहे कि मुझे ऐसा कुछ करना है, नहीं ऐसा कुछ है? मुझे ऐसे तबू जैसे कैरेक्टर्स करती हैं, मुझे थोड़े से डिसेंट पता नहीं क्यों पसंद है। मैं हूँ बोल्ड, मतलब लोगों को लगता है कि बहुत बोल्ड है, ब्लंट है, ऐसी है, लेकिन मुझे ऐसे ही किरदार करना पसंद है, ताकि मतलब उसका कुछ कैरेक्टर का मतलब तो हो। अब मैं क्या करूँ, मैं आऊँ और हीरो के साथ डांस करके थोड़े से सेक्सी मूव्स करके निकल जाऊँ तो उसका सेंस नहीं बन रहा ना। लेकिन आपने बताया ये 14 के टाइम पे स्टार्ट हुआ था शो, लेकिन नाउ इट इज लाइक 22। यस, इतना लॉन्ग? नो, सीजन 14, माय बिग बॉस सीजन। नाउ बिग बॉस 16 इज गोइंग ऑन, सच अ डिस्टेंस, लाइक इज देयर एनी इशू रिलेटेड? आई डोंट नो, आई वॉज बिजी इन माई वर्क, मैंने पूछा भी नहीं, बट मुझे ये पता था मूवी रिलीज होगी। मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रही हूँ, देखो एकता जैन भी आ गई हैं और भाई बहुत अच्छी लॉयर बनी है हमारी मूवी में। सो बिग बॉस तो यार जान है मेरी, एंड आज हमें अल्लाह ने जितना भी नवाजा है उस घर की वजह से ही नवाजा है, एंड सलमान साहब, और मतलब कितने भी सीजन्स आ जाएँ हम तो छाए थे, छाए हैं, छाए रहेंगे। अर्शी खान जुड़ी है बिग बॉस से, तो वो जब भी हमें बुलाएंगे तब हम जाएंगे आग लगाने के लिए। फिर पब्लिक ये बोले कि अर्शी खान लड़ती है, करती है, तो मैं बोलूँगी यार यही तो चलता है वहाँ पर। आई लव प्रियंका, प्रियंका मुझे शुरुआत से ही पसंद है, उसका जो बोलने का तरीका है बहुत अच्छा है, बहुत ठोक के बोलती है वो, और अंकित भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अब्दू तो है ही, अब्दू कैरेक्टर ऐसा है कि वो सभी को पसंद आ रहा है बिकॉज उसमें वो कुछ करता ही नहीं है, वो क्यूट है, वो किसी भी डिसीजन में भी नहीं है साथ में, वो बस सामने बैठा हुआ बस ये करता है। थैंक यू, बस और कुछ नहीं। एंटरटेनमेंट अर्चना अच्छा कर रही है, अब्दू भी एंटरटेनमेंट तो है ही अब्दू, एंड प्रियंका, अगर प्रियंका नहीं होगी तो सीजन के अंदर मज़ा नहीं है, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, जैसे अर्शी शिल्पा की जुगलबंदी थी तो वो अगर नहीं होती तो फिर मज़ा नहीं आता एक तरफ से, और इस सीज़न के अंदर 14 के अंदर भी जो अली गोनी था, अर्शी थी, राहुल था, तो वो ट्रायो था तो मज़ा था। दोनों ही ज़रूरी है, मतलब ग्रुप तो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर ग्रुप नहीं बनाएंगे तो आप मेंटली बड़े दिक्कत में आ जाते हैं, क्योंकि फिर ग्रुप होता है तो वो आपको सपोर्ट करता है, अगर आप अकेले होते हैं तो फिर मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए कि तुम सबसे लड़ूंगा, मैं तो लड़ूंगी। नहीं नहीं पता नहीं, इंडिया मॉल बार बार क्यों बुलाएगा किसी कंटेस्टेंट को, और क्यों बुलाने हैं, मतलब थोड़ा गैप भी तो देंगे ना वो, अभी बार बार बुलाएंगे तो फिर आवाम भी तो है ना बोर हो जाएगी ना, कि अब हमें पता है गेम क्या होने वाला है, तो नॉट अबाउट उसके लिए ही नहीं, सबके लिए
और भी आते थे लोग बहुत ज़्यादा, हर बार हर सीज़न में आ जाते थे, हर सीज़न में आ जाते थे माइंड गेम खेलने के लिए। तो अब नहीं बुला रहे। अगर आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पे अगर भेजा जाए तो क्या कुछ चेंजेस? मैं हमेशा से रेडी रहती हूँ, मेरे चेंजेस हमेशा दिखते हैं। मैं कभी एक गेम खेलती ही नहीं, मुझे तो मुझे पता है कि वहाँ जाकर क्या गेम खेलना है। माई माइक नंबर इज 07 and 011 ऑलवेज, एंड दोनों मेरे लकी नंबर हैं 7 and 11। तो वो माइक मुझे हमेशा मेरा बहुत करीबी, और बिग बॉस को पता है मुझे बैक पेन होता है, तो वो मेरा जो बैक के लिए सामान भेजते थे सब याद आता है। well, हमेशा हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ अगर नया शो हो या फिर नया कुछ आता है तो हर कोई जाता है प्रमोशन के लिए। हाँ, क्या आप भी जाने वाली है त्राइमा मूवी के लिए? मैं तो कह रही हूँ भेजो, सलमान साहब तो खुश हो जाएंगे। कोई एक ऐसा डायलॉग या फिर कोई ऐसा स्टेप सिखाना चाहेंगे सलमान साहब के साथ? तो मेरे को रशी कमर पे डांस करना है, और मैंने शैले में किया भी है, लेकिन मुझे ऐसे स्टेज पे करना है बस, उनके मैं उनके एक्सप्रेशन देखना चाहती हूँ। पठान नाम देना तो फिलहाल गलत नहीं है, मुझे नहीं लगता, मैं खुद ही पठान हूँ तो मुझे मज़ा आ रहा है पठान नाम सुन के। पठान ये पठान मतलब ऐसा नहीं है, कुछ रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ इंसान को अच्छा लगता है ना अपना जो वो है, मैं पठान हूँ तो पठान मूवी आ रही है तो मज़ा आता है, कुछ एक्साइटमेंट आता है कि पठान क्या करने वाला है। जैसे सलमान साहब की एक मूवी आई थी बजरंग बली, वो बजरंगी भाईजान, तो उसमें तो दोनों ही था ना, तो उसमें फिलहाल मैं ये रिलीजन से नहीं सोचती हूँ, बिकॉज आई बिलीव इन ऑल रिलीजन, मैं अल्लाह पाक को भी मानती हूँ, आई लव शिव जी, तो मेरे लिए तो ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। बट हाँ कलर से तो मुझे ये समझ में नहीं आया क्या पॉलिटिक्स है, मैं भी ग्रीन कलर की बिकनी पहन चुकी हूँ, ऑरेंज कलर की सभी पहनते हैं, लेकिन उससे रिलीजन से थोड़ी रिलेटेड है। साजिश सर तो गायब हो गए, बट अच्छा खेल रहे थे वो, शिव ठाकरे और प्रियंका चेहर चौधरी, अंकित, अर्चना शायद टॉप सिक्स तक जाएगी, डेफिनेटली जाएगी, और कौन यार, मैं चाहती हूँ एमसी स्टैंड भी आना चाहिए, वो भी अच्छा ही है, ज़बरदस्त है, अच्छा लगता है मुझे, और चार हुए ना, आई डोंट लाइक टीना, नहीं जाए, मैं नहीं चाहती टीना नहीं जाए। अरे यार वो शालिन और उन दोनों का बहुत फेक लगता है, मुझे पता नहीं क्यों लगता है, वो कैमरे की तरफ देखती है जब गला लगती है, उसके हक करती है, उसके बाद उसी की बुराई करती है, फिर उसी के पास जाकर बैठ जाती है, मेरे को समझ नहीं आता। नहीं वो तो आया नहीं बिल्कुल, वो तो वो चीज़ें नहीं आई, क्योंकि सिद्धार्थ का जो अलग ऑरा था, जो सिद्धार्थ करता था वो शालिन थोड़ी कर पा रहे हैं। अभी तो आएंगे प्रोजेक्ट्स, ऐसे आएंगे प्रोजेक्ट, बताएंगे नहीं आ जाएंगे। मैं अभी ट्रेनिंग के लिए जाऊंगी जनवरी, मुझे जाना था अभी नवंबर के अंदर, लेकिन मेरे काम इतने अटक गए हैं, तो यू नो डैट के वहाँ पर जाओ तो 8-10 दिन पटका पटकी होती है, तो उसके बाद बैठना पड़ता है ऐसे, तो फिर गैप लेके जाऊँगी। सो सारी आवाम को दिल से हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, बेहतरीन तरीके से अपना न्यू ईयर मनाइए और 2023 में छा जाइए। थैंक यू।